तो जैसा कि अभी आप लोग हैप्पी टेडी बियर डे वाली रील वीडियो को देख रहे हो, आज की इस वीडियो में हम लोग भी इसी टाइप की रील वीडियो को बनाने वाले हैं, वो भी बिल्कुल सिंपल एंड इजी स्टेप में। और इस टाइप की रील वीडियो बनाने के लिए हम लोग कैपकट एप्लीकेशन का यूज करेंगे। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अपनी नेम वाली इमेज को बनाएंगे। उसके लिए आप लोग गूगल एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको टाइप करना होगा बिंग इमेज क्रिएटर, इतना आप लोग टाइप करके सर्च कर दीजिएगा तो बिंग की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। इसको टाइप करके ओपन कर लीजिएगा। अब इस वेबसाइट के अंदर आपको प्रॉम्प्ट देना होता है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी इमेज जनरेट होकर आ जाती है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर प्रॉम्प्ट देना होगा, तो यहाँ पर मैं अपना प्रॉम्प्ट दे देता हूँ। और जिस प्रॉम्प्ट का मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ वो मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखा है, जाकर आप लोग प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लीजिएगा। अब इस प्रॉम्प्ट के अंदर खाली आपको एक चेंजेस करना होगा, यहाँ पर आपको गर्ल का और बॉय का नाम चेंज करना होगा। जैसा कि यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं, राहुल इज़ रिटन ऑन द बॉय हुडी एंड नेहा इज़ रिटन ऑन द गर्ल हुडी। तो यहाँ पर आप लोग बॉय का नेम और गर्ल का नेम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लीजिएगा। इतना करने के बाद सीधा आप लोग नीचे क्रिएट पर टैप करिएगा तो प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर इमेज जनरेट होकर आ जाएगी। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग इमेज जनरेट होकर आ चुकी है। तो एक बार में यहाँ पर चार इमेज जनरेट होकर आती है। अब इमेज को प्रीव्यू करने के लिए डायरेक्ट आप लोग इमेज पर टैप कर दीजिएगा तो यहाँ से आप लोग इमेज को प्रीव्यू कर सकते हैं। अब जो भी इमेज आपको अच्छी लगे नीचे थ्री डॉट पर टैप करिए और यहाँ से इसको डाउनलोड कर दीजिए। तो यहाँ पर हमारी इमेज डाउनलोड हो चुकी है, अब हम लोग इसी इमेज का वीडियो बनाने वाले हैं। तो उसके लिए हम लोग कैपकट एप्लीकेशन का यूज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग VPN को अपने मोबाइल से कनेक्ट कर लेते हैं। VPN को कनेक्ट करने के बाद अब हम लोग अपने कैपकट एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे, न्यू प्रोजेक्ट पर टैप करेंगे और अभी हम लोगों ने जो फोटो को डाउनलोड किया है उस फोटो को हम लोग सिलेक्ट करके नीचे से ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी फोटो आ चुकी है। सबसे पहले इसका हम लोग फ्रेम रेशियो चेंज कर लेंगे, तो उसके लिए नीचे रेशियो पर टैप करिए और यहाँ से 9:16 रेशियो सिलेक्ट कर लीजिए। इतना करने के बाद टिक करके आपको डन कर देना है। अब हम लोग इस इमेज की साइज 13 सेकंड की कर देंगे, तो इमेज पर आप लोग टैप करिए और इसको बढ़ाकर इसकी टाइम ड्यूरेशन कर लीजिए 13 सेकंड। इतना करने के बाद इसी इमेज के पीछे हमें बैकग्राउंड लगाना है, तो उसके लिए बैक आइए, नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कैनवास का, तो इसको आप लोग टैप करके ओपन करिए। थर्ड ऑप्शन आपको मिलेगा ब्लर का, ब्लर वाले ऑप्शन पर टैप करिए। अब यहाँ से आप लोग पहला ऑप्शन या तो सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ। इतना करने के बाद टिक करके आपको डन कर देना है और यहीं से आप लोग वीडियो को एक्सपोर्ट कर लीजिए। तो कुछ ही सेकंड में यहाँ पर आपकी वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगी। तो देख सकते हैं यहाँ पर वीडियो एक्सपोर्ट हो चुकी है, डन पे टैप करिए और यहीं से आप लोग कैपकट एप्लीकेशन को मिनिमाइज कर दीजिए। अब आपको फिर से गूगल एप्लीकेशन को ओपन करना है। यहाँ पर आपकी आपको टाइप करना है ICAL कैपकट टेम्पलेट, इतना आपको टाइप करके सर्च कर देना है। तो यहाँ पर कैपकट टेम्पलेट का लिंक आ जाएगा, इसको आप लोग टाइप करके ओपन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग कैपकट का एक टेम्पलेट यूज़ करने वाले हैं, ये रहा हमारा टेम्पलेट। इस टेम्पलेट को यूज़ करने के लिए नीचे आपको दिखेगा यूज टेम्पलेट इन कैपकट, तो इस पर आप लोग टैप कर दीजिएगा। जैसे ही आप लोग इस पर टैप करेंगे तो ये कैपकट एप्लीकेशन के अंदर रीडायरेक्ट कर देगा। अब इसको यूज़ करने के लिए नीचे यूज टेम्पलेट पर टैप करिए और अभी आप लोगों ने जो फोटो की वीडियो बनाई है उस वीडियो को आप लोग सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं अपनी वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूँ। वीडियो सिलेक्ट करने के बाद नीचे से प्रीव्यू कर दीजिए, तो यहाँ पर आपकी कुछ ही सेकेंड में रील वीडियो बनकर रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारी रील वीडियो बनकर रेडी हो चुकी है। एक बार मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। अब इस वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए ऊपर एक्सपोर्ट पे टैप करिए और यहाँ पर एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्क पे टैप कर दीजिए, तो यहाँ पर आपकी रील वीडियो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाता रहता हूँ। टिल देन गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।